और जब से आपकी मदर गई हैं तभी से आपकी कोई फिल्म हिट नहीं हुई है। जिंदगी से माँ का चले जाना खत्म हो जाता है सब कुछ। आगे चल। I'm really sorry। चलो। सो है गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, अक्षय कुमार के एक इंटरव्यू सामने आया जिसमें उनसे सवाल किया गया है कि जब से आपकी मां की डेथ हुई है तभी से आपकी लगातार फिल्में बैक टू बैक फ्लॉप होती जा रही हैं। और इसके अलावा दोस्तों, अक्षय कुमार से एक और क्वेश्चन पूछा गया है, वो है बॉलीवुड को बायकॉट को लेकर, उनकी फिल्म को बायकॉट को लेकर। तो दोस्तों, अक्षय कुमार ने आखिरकार क्या कहा, सबसे पहले वो देख लो। जब से आपकी मदर गई हैं तभी से आपकी कोई फिल्म हिट नहीं हुई है। जो आप बात कह रहे हैं बिल्कुल सही है। जिंदगी में माँ का होना, माँ का और पिता का होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल आपने बिल्कुल बात सही पकड़ी है कि सिंस आई लॉस्ट माई मदर थिंग्स हैव चेंज इन माई लाइफ। उन्होंने मेरी हमेशा पीठ संभाल के रखी है, उनका हाथ हमेशा मेरे सर पर है, मेरे पीठ पर है। अब तो मैंने देखा है बहुत ज़्यादा अटैच थे। उनके जाने के बाद क्या बदलाव आया जीवन में? आप कह रहे कि सब कुछ बदल गया। आई एम स्टिल, मतलब मैं अभी भी उस टर्म पे नहीं आया हूँ दैट आई हैव लॉस्ट माई मदर। क्या ना, कभी कभी होता है कि आप कोई चीज, कोई हादसा हो जाता है आपकी ज़िंदगी में, बट यू स्टिल डोंट वॉन्ट टू बिलीव इट। मैं कई बार होता है कि मेरे दिमाग में चलता है ये कि माई मदर इज वेटिंग एंड आई कैनॉट टेक द फैक्ट दैट शी। जिंदगी से माँ का चले जाना खत्म हो जाता है सब कुछ। जब आपकी माँ की मृत्यु हुई थी तो ये तो मेरा खुद का अनुभव है और मैंने खुद ये बात महसूस की कि आप उस समय बहुत शोक में नहीं जाना चाहते थे और आप काफी समय तक डिनाइल मोड में थे। मुझे याद है, वो दिन भी मुझे याद है, उसके अगले दिन का दिन भी याद है, उससे अगले दिन भी याद है। आई फाउंड यू इन अ डिनाइल मोड, जैसे ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। और कई बार मैं कभी आपसे कहा नहीं, लेकिन मुझे कई बार ऐसा लगता था कि यू आर ट्राइंग वेरी हार्ड नॉट टू बिलीव दैट दिस हैज हैपेंड। आई स्टिल बिलीव कि ऐसा नहीं हुआ है, स्टिल कैनॉट कम टू टर्म्स। और ये मेरा ही नहीं, ये सभी बेटों का यही हाल होता है जब साया निकल जाता है। तो ऐसा कोई मतलब वन ऑफ द पेरेंट्स का साया होना बहुत जरूरी है, दोनों का हो तो बहुत ही अच्छी बात है, बट दैट्स इट। आपके इस दौर में अगर वो होती तो क्या कहती आपको? ऐसे दौरों में कई बार, मतलब जैसे मैं कहा कि मेरी कई फिल्में बार नहीं चली थी, उनकी एक बड़ी फेमस लाइन है, फिकर नहीं कर पुत्र, बाबा जी तेरे नाल ने, मतलब भगवान शिव तेरे साथ है, उसी को लेके चलते हैं। तो वो जो पंक्तियां थी वो आपको वह शक्ति देती थी? अभी भी देती है, अभी भी वही लाइन है। बात करते हैं कभी आप उनसे? हाँ, ठीक है। नहीं, मैं देख पा रहा हूँ यू आर रियली रियली वेरी अटैच्ड टू हर। और काफी आप शूटिंग से आते थे, सबसे पहले आप ऊपर जाते थे उनके फ्लोर पर और फिर उनके साथ बात करते थे, बताते थे कि क्या हुआ। हाँ, ऐसे है यार। चल आगे चल। I'm really sorry। अच्छा, चलो मुद्दा बदलते हैं। आप अपनी आइडियोलॉजी के लिए जाने जाते हैं, आपकी खास आइडियोलॉजी लोग कहते हैं, आप देशभक्त हैं, राष्ट्रभक्त हैं, भारत को प्यार करते हैं, लेकिन कनेडियन को मालूम ये सोसाइटी के लिए, समाज के लिए आप इतना करते हैं, चेन्नई में बाढ़ आए तो पैसा देते हैं, असम में बाढ़ आए, किसी का इलाज कराना है, किसी का कुछ करना है, कितना आपने सब कुछ किया एक अच्छे नागरिक की तरह। पर इसी देश के लोग जब कभी आपको कनाडा कुमार कहने लगते हैं, कभी आपकी फिल्म को ही बॉयकॉट करने की बात करने लगते हैं, जब दर्शक बनते हैं तो इतने रूथलेस बन जाते हैं कि नहीं जी हमें नहीं देखनी आपकी फिल्म, तब आपको कैसा लगता है? कुछ है, देखिए जनता है, इनको बोलने का सब हक है,
इनका इनकी हर बात सर आंखों पर. सी एट द एंड ऑफ द डे माय जॉब इज टू सैटिस्फाई एंड गिव देम एंटरटेनमेंट एंड गिव देम हैप्पीनेस. वो मैं करता रहूंगा. ये फिल्में नहीं चली कोई बात नहीं, आगे ट्राई करूंगा, सेल्फी की कोशिश करूंगा, उसके आगे की कोशिश करूंगा, कोशिश लेकिन करूंगा, काम करता रहूंगा, काम नहीं छोड़ूंगा, काम करता रहूंगा. तो दोस्तों आपके इस बारे में क्या है कहना है हमें अपनी राय कमेंट पर दें, और साथ ही साथ ऐसे न्यू अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा. धन्यवाद.